ये टाइम टेबल है पटाया से कोह लार्न आइलैंड जाने के लिए। हम लोग जा रहे हैं फेरी से, जिसका कॉस्ट है 30 baht वन वे के लिए। कोह लार्न आइलैंड पटाया के नज़दीक का सबसे खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ पे 5-6 अच्छे अच्छे बीचेस है और यहाँ पे आराम से आप एक दिन या फिर 2-3 दिन भी स्पेंड कर सकते हो। ये कुछ मोटर बाइकर्स है जो आपको पूरे आइलैंड का टूर कराएंगे और वो लेंगे 400 baht पूरे आइलैंड का टूर करने के लिए। थोड़ा वॉकिंग करके लेफ्ट साइड पे 10 मिनट वॉकिंग करने के बाद ये हमको नया रेड बोर्ड मिलेगा। वहाँ पे 40 baht, 50 baht, 60 baht था, यहाँ पे देखो 20 baht, 30 baht, 30 baht, 10 baht कम है। ये सोंगताव लेके जा रहा है, वहाँ पे जो थे वो बाइक से लेके जा रहे थे। तवान बीच पियर जाके थे, तवान बीच पियर। ओके, वैन जा रही है तवान बीच पियर। कोह लार्न आइलैंड पे अलग अलग जगह जाने के लिए आपको सोंगताव जगह जगह मिलेंगे, जिसकी कॉस्ट वेरी करती है प्लेसेस टू प्लेसेस। कुछ कुछ जगह 20 baht, कुछ कुछ जगह 40 baht, कुछ कुछ जगह पे 50 baht जिसका कॉस्ट होता है। कोह लार्न आइलैंड 4 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। इसमें मेनली 6 बीचेस है, कुछ कुछ छोटे हैं और कुछ काफ़ी बड़े हैं, जिसमें से 3 बीचेस काफ़ी पॉपुलर है, वो है तवाइन बीच, समाई बीच और तियान बीच। ये पहला बीच जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं तवाइन बीच। टूर ऑपरेटर्स इस बीच को काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए ये बीच काफ़ी भीड़ से भरा हुआ रहता है। आप चाहे तो ना बान पियर से यहाँ पे आप सोंगताव लेके आ सकते हो, जिसका कॉस्ट पड़ता है आपको 20 rupees, या फिर पटाया से बाली है पियर से भी आप डायरेक्टली यहाँ पे फेरी लेके आ सकते हो, जिसका कॉस्ट है 30 baht और आने के लिए आपको लगेंगे 45 minutes। अगर आप चाहे तो स्पीड बोट भी रेंट कर सकते हो, पर पर्सन पड़ेगा आपको 300 baht, या फिर अगर पूरा स्पीड बोट लेना चाहते हो तो 1500 से लेकर 2500 से लेकर 3000 तक आपको जिसका कॉस्ट पड़ेगा। इस बीच पे काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, जेट से जेट्स की, जिसका कॉस्ट आपको पड़ेगा अराउंड 600 baht। बनाना राइड भी आपको आप कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट पड़ेगा आपको 300 baht। कोह लार्न आइलैंड पे आप स्नोर्कलिंग का भी मजा ले सकते हैं, पैरासीलिंग, अंडर वाटर वॉकिंग, मोटरसाइकिल राइड, फिशिंग, ऐसे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो कोह लार्न आइलैंड पे। अंडर वाटर वॉकिंग, जिसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 600 baht अगर आप सिंगल जाना चाहते हो। पर जितने भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप टूर ऑपरेटर के थ्रू जाए, जिसका कॉस्ट आपको 1200 से 1500 पड़ेगा, बट उसमें इंक्लूड होगा लंच, अंडर वाटर एक्टिविटीज़, उसके बाद में जेट्स की, बनाना राइड, पैरासीलिंग, ये सब, और लंच भी इंक्लूड होगा। फुल डे का टूर होता है, किसी भी टूर ऑपरेटर के पास जाके आप ये टूर बुक कर सकते हो, तो वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल करना चाहोगे तो आपको 2000 से 2500 आपको पे करने पड़ेंगे। अंडर वाटर वॉकिंग का एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जो अगर आप पटाया जाते हो तो आप ले सकते हैं। पैरासीलिंग का कॉस्ट आपको पड़ेगा 500 baht अगर आप इंडिविजुअल करना चाहो तो। ये स्पीड बोट से बंधा हुआ होता है और एक काफ़ी रोमांच भरा एक एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। कभी कभी अगर कस्टमर्स ज़्यादा नहीं है तो फिर वो 400 baht ऑक्सीजन में आपको करके देंगे। अगर आप फोटोज़ वगैरह लेते हो तो उसका कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा।
बट काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। ये है तियान बीच, काफी रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर है यहाँ पे और यहाँ पे टूरिस्ट ज्यादा होते नहीं है। सबसे अच्छा बीच मैं कहूँगा और यहाँ पे सी फूड काफी फेमस है, खाने के लिए भी जितना एक्सपेंसिव नहीं है बट टेस्टी फूड होता है। तो तियान बीच पे एक बार आप सी फूड जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप टूर ऑपरेटर्स के साथ आते हो तो आपको खाना फ्री मिलेगा। अलग अलग बीचेस पे आपको शॉपिंग के काफ़ी सारे प्लेसेस मिलेंगे जहां आप सुवेनियर्स ले सकते हो, क्लोथिंग्स होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें, या फिर स्विम सूट्स या फिर बर्मुडास और बाकी क्लोथिंग्स, ग्लॉगल्स, हैट्स हैं। और हर जगह पे अलग अलग रेस्टोरेंट्स भी आपको मिलेंगे जहाँ पे पॉपुलरली लोग सी फूड खाना पसंद करते हैं। कुछ कुछ जगह पे रिसोर्ट्स वगैरह हैं अगर आप वहाँ पे स्टे करना चाहते हो 2-3 दिन। तो मोस्टली यहाँ का सी फूड पॉपुलर होने की वजह से टूरिस्ट का अट्रैक्शन मेन सी फूड ही होता है। अब हम लोग जा रहे हैं समय बीच की तरफ जो काफी शांत बीच है और एक पॉपुलर भी है अमॉन्ग 6 बीचेस। टोटल 6 बीचेस है कोह लार्न आइलैंड पे, थोंगलोंग बीच, तियान बीच, तवाइन बीच, समय बीच, नुअल बीच और तोंगलोंग बीच। हर जगह पे आपको सोंगताओ मिल जाएगी, काफी क्वाइट बीच है कंपेयर टू द अदर बीचेस। ये बीच थोड़ा बेटर लग रहा है, समय बीच। कोरल आइलैंड पे 4-5 बीचेस है, इसमें समय बीच थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि ताइवान बीच पे गए थे तो वो काफी क्राउडेड था, बहुत ज्यादा क्राउडेड था। ये फ्रेश सी फूड अवेलेबल है रेस्टोरेंट में, जो आपको चाहिए उनके रेट के हिसाब से तोल के उनको पकाने के लिए दे दीजिए और आराम से जाके बैठिए और उसका आनंद ले। या फिर अगर आप कैरी करना चाहते हो, अगर आप लोकल हो तो कैरी करके अपने घर पे जाके पका भी सकते हो। मोटरसाइकिल अगर आप चाहे तो रेंट भी कर सकते हो, लिखा तो होता है बॉर्डर पे बैनर पे कि 300 बाट, बट 200 बाट में भी आपको एक दिन का मोटरसाइकिल रेंट मिल जाएगा इंक्लूडिंग गैसोलीन। कुछ कुछ मोटरसाइकिल्स कंडीशन अच्छी होती है इसलिए वो प्रिफर करते हैं 250-300 बाट। टॉयलेट का कॉस्ट होता है 10 बाट और चेयर जो होती है बीचेस पे उसका कॉस्ट होता है 50 बाट। कुछ कुछ जगह पे लोग 100 बाट भी चार्ज करते हैं। अभी हमारी रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है पटाया से, पटाया जाने के लिए नाबान पियर टू बलिहाई पियर बाय फेरी। वो लोग लेते हैं 30 बाट और जाने के लिए लगते हैं 45 मिनट्स। अगर आप चाहे तो स्पीड बोट भी यूज कर सकते हो, अगर आपने कभी यूज नहीं की तो वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है, बट वो काफी बम्पी राइड होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने मैं काफी सारे वीडियो बनाता रहूंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।